एनवीडिया, जब भी आप इस कंपनी का नाम सुनते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? गेमिंग। अरे भैया, ये कंपनी तो ग्राफिक कार्ड बनाती है, तो इसके बिना तो गेमिंग हो ही नहीं सकती है। और पता है 1997 में ये कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली थी, लेकिन आज अगर आप इस कंपनी का स्टॉक प्राइस उठाकर देखोगे तो पिछले 4 साल में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। पर एक सेकंड, एनवीडिया को ग्राफिक्स कार्ड बनाते हुए तो इतने साल हो चुके हैं, तो फिर आखिर पिछले 5-7 सालों में ऐसा क्या हुआ कि आज एनवीडिया का स्टॉक प्राइस एकदम रॉकेट बन चुका है? और आज ये कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जो आने वाले समय में हम सबकी जिंदगी बदल कर रख सकती है। अब ये सब सुनकर कुछ लोग बोलेंगे कि अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, कंपनी तो ग्राफिक कार्ड बनाती है, ग्राफिक कार्ड से गेम खेले जाते हैं। भैया गेम खेलकर किसका भला होता है? भला गेम खेलकर जिंदगी किसकी बदलती है? किसी की नहीं बदलती। और अगर ऐसा कुछ होगा भी तो ये सब कुछ होगा कैसे? और ये कंपनी आज आखिर ऐसा क्या कर रही है कि आज एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज तक को भी इस ग्राफिक कार्ड बनाने वाली कंपनी से डर लग रहा है? तो ये सब कुछ आखिर क्यों और कैसे हो पा रहा है? ये कंपनी आखिर इतनी बड़ी कैसे बन गई? और सबसे जरूरी कि आखिर वो कौन से पावरफुल बिजनेस लेसंस है जो हम इस केस स्टडी से सीखकर अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं? We build the world's best chipsets. We build the world's best GPUs with chipsets in it. In 5 years, we improved the computer graphics by 1,000 times. This is what hundreds of millions of gamers in the world plays on. It's a GeForce. Nvidia Core is on the verge of becoming the 9th company in history to reach a market value of $1 trillion club. The company's share price jumped as much as 26%. तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1993 में, जब जुरासिक पार्क नाम की मूवी लॉन्च होती है। और ये मूवी इतनी ज्यादा हिट होती है कि $912 मिलियन कमाकर ये उस वक्त की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म बनती है। पर पता है इस मूवी के सुपरहिट होने के पीछे का कारण क्या था? वो कारण था इस मूवी के ग्राफिक्स, क्योंकि उस वक्त से पहले भी कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स यानी कि CGI बेस्ड मूवीज तो काफी सारी लॉन्च हुई थी, मगर उस वक्त तक कोई भी ऐसी मूवी नहीं बनी थी जिसके अंदर CGI को लाइव कैरेक्टर्स के साथ इस तरीके से मिक्स किया हो कि डायनासोर एकदम देखने में असली लगे। पर जब ये मूवी पॉपुलर होती है तो पूरी मार्केट के अंदर 3D ग्राफिक्स की डिमांड एकदम से बढ़ती है। और दूसरी तरफ ये वो समय था जब अमेरिका के अंदर नया नया PC रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर 1990 में सिर्फ 15% अमेरिकन्स के पास ही PC था, ये 1997 में बढ़कर 35% तक पहुँच जाता है। और अब अमेरिकन्स के लिए कंप्यूटर एक नेसेसिटी बन चुका था। और जब ऐसा होता है तो काफी सारी कंपनीज के बीच में ये डिस्कशन होना शुरू होता है कि आखिर फ्यूचर में कंप्यूटिंग कैसी लगेगी, सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करेंगे। क्योंकि देखो, उस वक्त पर जो कंप्यूटर हुआ करता था ना, उसके अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होती थी वो सारी प्रोसेसिंग उस कंप्यूटर का CPU ही करता था। और बड़ी बड़ी टेक कंपनीज का यही मानना था कि आगे भी ये सारा काम CPU ही करेगा। लेकिन यहीं पर एक ताइवान बॉर्न अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिनका नाम था जेनसेन हुआंग, वो और उनके दो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दोस्त जिनका नाम था कर्टिस प्राइम और क्रिस मेलोस्की, इन तीनों का ये मानना था कि फ्यूचर के अंदर जो एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग है ना, वो होगी ग्राफिक्स बेस्ड। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि उस वक्त ये आइडिया सेट किया गया था कि देखो, कुछ एप्लीकेशंस तो CPU अपने आप रन कर लेगा और उसके लिए CPU ही काफी है, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस को रन करने के लिए GPU यानी कि ग्राफिक्स एक्सेलरेटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और उस जमाने की अगर बात करें तो 3D वीडियो गेम्स और CGI बेस्ड मूवीज, ये चीजें इस कैटेगरी में फॉल करती थी। और अपने इसी आइडिया के पीछे काम करते हुए ये तीन लोग मिलकर 5 अप्रैल 1993 इस तारीख को एक कंपनी शुरू करते हैं जिस कंपनी का नाम पड़ता है एनवीडिया। तो इन तीनों फाउंडर्स ने $40,000 इकट्ठे करे और $40,000 से अपनी कंपनी शुरू करी। और स्टार्टिंग में ये कंपनी वीडियो गेम्स के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स बनाती थी। देखो, जेनसेन हुआंग जो कि इस कंपनी के फाउंडर है, उनका ये मानना था कि ग्राफिक की जो चिप्स है वो इस तरीके की बनाएंगे जिसको PC के मदरबोर्ड के साथ प्लग इन किया जा सके, जिससे कि CPUs की भी स्पीड बढ़ेगी और GPU अपना काम सही से कर पाएगा। और फिर 1997 में जाकर यानी कि कंपनी शुरू होने के 4 साल बाद ये लोग अपना पहला हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक चिप बनाते हैं। अब देखो, स्टार्टिंग के दिनों में इन्होंने सिर्फ एक ही चीज के ऊपर ध्यान दिया। इन्होंने कहा कि देखो, हम चिप्स डिजाइन करने में अच्छे हैं, तो भैया हम सिर्फ चिप्स डिजाइन करेंगे, क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरिंग करने का पैसा तो अपने पास है नहीं, तो डिजाइन हमारा होगा लेकिन मैन्युफैक्चर हम बाहर से करवा लेंगे। इसलिए फिर इन्होंने उस टाइम पर एक ताइवानी चिप जाइंट जिसका नाम था TSMC, उनको अपनी चिप्स को मैन्युफैक्चर करने की सर्विस आउटसोर्स करी और उनको कहा, देखो हम डिजाइन देंगे, आप बनाकर हमको दो। और पता है मजेदार बात तो ये कि तब से लेकर आज तक यही कंपनी एनवीडिया के चिप्स को मैन्युफैक्चर करती है। देखो, सिंपल है, जो कोर टेक्नोलॉजी है ये कहते हैं भैया कोर टेक्नोलॉजी तो हम बनाएंगे, उसके बाद अब लाखों करोड़ों चिप्स को मैन्युफैक्चर करना है, तो जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने में अच्छी है उनको मैन्युफैक्चर करने दो। अब क्योंकि कोर टेक्नोलॉजी हमारी है तो मैन्युफैक्चर करने के बाद जो चिप्स पे नाम होगा वो नाम भी हमारा ही होगा। इसलिए आप अगर आज देखोगे तो एनवीडिया के सारे चिप्स उन्हीं की
कंपनी के नाम से बिकते हैं, मगर मैन्युफैक्चर वो नहीं करते। और यही कारण है कि साल 1999 में जब .com बबल क्रैश हुआ था, तो ना सिर्फ एनवीडिया सर्वाइव कर गई थी, बल्कि उसी साल उन्होंने एक ऐसा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाया जिसने गेमिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। और उस प्रोडक्ट का नाम था GeForce 256। एनवीडिया के अनुसार ये इस दुनिया का पहला ऑफिशियल GPU था, और उस टाइम पर ये पहला ऐसा प्रोग्रामेबल ग्राफिक कार्ड था जिसके अंदर आप शेडिंग और लाइटिंग को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और फिर आता है साल 2000। इस टाइम पर माइक्रोसॉफ्ट अपना पहला एक्सबॉक्स लॉन्च कर रही थी। अब देखो, एक्सबॉक्स में गेमिंग होती है, तो माइक्रोसॉफ्ट कहती है कि एनवीडिया आपके हमें ग्राफिक कार्ड चाहिए अपने एक्सबॉक्स के अंदर, और ये एक्सक्लूसिवली चाहिए। और उस टाइम पर एक्सक्लूसिवली एनवीडिया एक्सबॉक्स से ग्राफिक कार्ड बनाता है, और यही वो जगह थी जहां से इस कंपनी की तकदीर पूरी तरीके से बदल जाती है। फिर साल 2004 में एनवीडिया कूडा नाम के एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू करती है, जिसको साल 2006 में लॉन्च किया जाता है। कूडा यानी कि कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर, ये एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है और एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जिसने एनवीडिया के सारे GPUs, जितने भी GPUs हैं, उन सब की वर्किंग प्रोसेस को हमेशा के लिए बदल दिया। समझाता हूँ कैसे। देखो, एनवीडिया के जो GPUs थे वो पहले सीरियल वाइज कंप्यूटिंग प्रोसेस करते थे, लेकिन कूडा आने के बाद अब एनवीडिया के GPUs पैरेलल कंप्यूटिंग पे शिफ्ट हो गए। देखो, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जो सीरियल बेस्ड कंप्यूटिंग होती है उसके अंदर जितने भी टास्क है वो सीरियल वाइज कंप्यूट होते हैं, यानी कि पहले एक टास्क होगा, फिर वो खत्म होगा, फिर दूसरा टास्क शुरू होगा, फिर तीसरा टास्क होगा, फिर चौथा टास्क होगा। लेकिन जो पैरेलल कंप्यूटिंग होती है उसके अंदर सारे प्रोसेसेस पैरेलल ही चल सकते हैं। मतलब कि अगर मान लो कंप्यूटर को चार टास्क बनाने हैं, तो चारों के टास्क को वो पैरेलल ही रन कर सकता है, उसको वेट करने की जरूरत नहीं है कि एक खत्म होगा फिर मैं दूसरा करूंगा। और यही कारण है कि कूडा टेक्नोलॉजी आने के बाद एनवीडिया के सारे ग्राफिक्स कार्ड की परफॉर्मेंस एकदम से बढ़ गई। क्योंकि देखो, अब कूडा की मदद से आप 3D ग्राफिक्स की रेंडरिंग, वीडियो फाइल के फॉर्मेट्स का इंटर कन्वर्जन, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन, ये सारी प्रोसेसेस बहुत तेज कर सकते हो। लेकिन पता है, ऐसा नहीं है कि एनवीडिया ने जो भी काम किया ये सब में सक्सेसफुल थे। जैसे कि साल 2010 में इन्होंने टेगरा लाइन की चिप्स के साथ स्मार्टफोन मार्केट के अंदर एंट्री करने की कोशिश करी, मगर ये लोग बुरी तरीके से फेल होते हैं, और उसके बाद ये लोग बैक स्टेप ले लेते हैं, कह रहे भैया हमें नहीं करना, हम अपने GPU बना के खुश हैं, हमें नहीं जाना स्मार्टफोन मार्केट में। अब यहाँ पे देखो ग्रोथ कहाँ पे आती है। साल 2018 से पहले एनवीडिया के पास GTX सीरीज के प्रोसेसर थे, लेकिन सितंबर 2018 के अंदर एनवीडिया अपना पहला RTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड लॉन्च करता है, जिसका नाम पड़ता है RTX 2080। और देखो, ये जो ग्राफिक कार्ड था ना, ये इस दुनिया का पहला रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी वाला ग्राफिक कार्ड बनता है। अब आप पूछोगे कि डिफरेंस क्या है भैया RTX हो या GTX, अरे सानू की फर्क पैंदा है। तो सुनो जरा, जो GeForce के ग्राफिक कार्ड्स हैं, यानी कि GTX सीरीज है, वो मेनली सिर्फ PC की गेमिंग को इम्प्रूव करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अगर हम गेमिंग के अलावा भी देखें, तो जो ग्राफिक कार्ड्स है ना, वो बहुत सारी जगहों पर काम आते हैं, और वहां पर RTX का ग्राफिक कार्ड काम आता है। पर वहीं पर जो RTX सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स हैं, वो आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट डिजाइन, कॉम्प्लेक्स लार्ज स्केल मॉडल्स के डिजाइन करने में, साइंटिफिक विजुअलाइजेशन, एनर्जी एक्सप्लोरेशन, और फिल्म और वीडियो प्रोडक्शन, ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, जहां पर GTX के ग्राफिक कार्ड अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। देखो, आज एनवीडिया का 58% रेवेन्यू उनके मेन बिजनेस यानी कि उनके ग्राफिक कार्ड बनाने के बिजनेस से आता है, पर जो बचा हुआ 42% रेवेन्यू है वो आता है उनके दूसरे बिजनेस सेगमेंट से, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग। और यहीं पर सारा गेम चेंज होता है, क्योंकि ये जो सेगमेंट है, ये AI बेस्ड डेटा सेंटर प्लेटफॉर्म्स, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और एक्सेलरेटेड कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं। इसको थोड़ा आसान करता हूँ। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स पता है, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है, उनके प्रोसेसर लगते हैं, वो पता है, यहाँ तक कि जेटसन जो कि रोबोटिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों में ये सेगमेंट काम करता है। और यही वो चीज है जिससे आज एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सभी बड़ी कंपनीज डर रही है। पर ऐसा क्यों है? तो देखो, इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा साल 2006 में, जब एनवीडिया ने अपनी पहली कूडा टेक्नोलॉजी लॉन्च करी थी। क्योंकि देखो, यही वो जगह थी जहां से एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के अंदर एंट्री लेता है, जिसके बाद से कंपनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। और तब से लेकर आज तक एनवीडिया अपने सारे सेमीकंडक्टर चिप्स के अंदर, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, हर किसी के अंदर AI के कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को ध्यान में रखते हुए ही उसको डिजाइन करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं समझ में आया? तो चलो इसको आपके लिए आसान बनाते हैं। देखो, AlexNet, ये एक एक्यूरेट न्यूरल नेटवर्क है जिसने साल 2012 में एक लार्ज स्केल इमेज रिकॉग्निशन कॉन्टेस्ट को जीत लिया था। पर पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है?
कि ये जो एलेक्सनेट का कोड है ना, ये कूड़ा की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लिखा गया था। और जब ऐसा होता है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में एक बहुत ही बड़ा इवेंट बनता है। इसको आज भी अगर आप देखोगे तो AI का बिग बैंग मूवमेंट कहते हैं। और यही वो जगह थी जहां से NVIDIA को ये समझ में आता है कि इसी तरीके की सेम पैरेलल प्रोसेसिंग को डीप लर्निंग के लिए भी आगे चलकर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बाद जो कंप्यूटर्स है ना, उनको खुद से चीजें सीखकर टास्क परफॉर्म करने की आदत हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी को कंप्यूटर के सामने बैठना पड़े और उसको बताना पड़े कि उसको क्या करना है, जो कि हमें आज की डेट में करना पड़ता है। तो देखो, टेक्निकली जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोसेसेस और फंक्शंस हैं, उन सबको रन करने के लिए एक प्रोसेसिंग हार्डवेयर लगता है, और वो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी बनाएगी कौन? NVIDIA। तो बेसिकली इस पूरे AI के गोल्ड रश के अंदर, जहां पर सारी कंपनीज आपस में लड़ाई कर रही है कि भैया मैं बनाऊंगा टेक्नोलॉजी, वहां पर NVIDIA के हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के बिना बड़ी से बड़ी AI कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती है। देखो, इसको एक बहुत ही सिंपल सिनेरियो से समझते हैं। जब भी मार्केट के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो मार्केट में आपको ये तीन तरीके के लोग मिलेंगे। पहला होता है द डिनायर्स। ये वो लोग होते हैं जो ये मानते ही नहीं है कि भैया मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है और पुरानी चीज है जो कि थोड़े टाइम बाद आउटडेट हो जाएगी। इस फैक्ट को ये लोग कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। फिर दूसरे आते हैं द डेवलपर्स। ये वो लोग हैं जो कि एक्चुअली में उस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के अंदर किसी ना किसी तरीके की कंट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे आज की डेट में अगर आप देखोगे तो OpenAI जैसी कंपनीज है जो कि ChatGPT जैसे टूल्स बना रही है। और फिर आते हैं ये तीसरे लोग जो कि होते हैं डिप्लॉयर्स। ये वो लोग होते हैं जो कि उस टेक्नोलॉजी को रेगुलर बेसिस पर अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ पर जो कैच है वो ये है कि जब भी कोई डेवलपर किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा होता है तो उसको उसकी डेवलपमेंट के दौरान बहुत ही हैवी कंप्यूटिंग प्रोसेसेस के लिए हार्डवेयर चाहिए होता है, और डेवलप होने के बाद जो टेक्नोलॉजी बन चुकी है उसको इस्तेमाल करने के लिए भी एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस के हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। और यही वो जगह है जहां पर NVIDIA पीछे बैठकर इस मार्केट के एक बहुत बड़े पोर्शन को कंट्रोल करती है, क्योंकि डेवलपमेंट से लेकर उस चीज की डिप्लॉयमेंट तक हर एक चीज के अंदर हार्डवेयर लगना है, और हार्डवेयर बनाएगा कौन? भैया NVIDIA। बहुत सिंपल है, न्यू एज टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने से लेकर उसको इस्तेमाल करने तक हर एक चीज के अंदर हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर की जरूरत तो है ही। तो इस AI रेवोल्यूशन के अंदर आप चाहे कोई भी कंपनी ले लो, हर एक कंपनी को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे हो सकता है कि उनको डेवलपमेंट के टाइम पर या फिर डिप्लॉयमेंट के टाइम पर, NVIDIA की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ब्रायन कैटनजारो जो कि NVIDIA के डीप लर्निंग रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं कि मेरे से पिछले 10 सालों में ना अलग अलग तरीके से पूछा गया कि अरे भैया ये NVIDIA आखिर AI में इन्वेस्ट क्यों कर रही है, AI को तो जमाना ही नहीं आया, पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, पागल हो तुम लोग, पता नहीं क्यों इस चीज में पैसे डाल रहे हो। पर जब 2016 में AI का बूम आया था, तब लोगों को एक्चुअली में समझ में आया कि आखिर NVIDIA इतने साल पहले 2006 में कर क्या रही थी। देखो, कहने को तो NVIDIA साल 2006 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पैसा डाल रही थी, लेकिन उसका एक्चुअल इफेक्ट दिखाई देता है साल 2016 में, जब क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग एकदम बूम पे जाती है और सब लोगों को GPUs की नीड पड़ती है, और सबसे बढ़िया GPU कौन बनाता है? NVIDIA। देखो, साल 2016-17 में ना बिटकॉइन की डिमांड एकदम से रॉकेट करती है, लोगों ने खूब शोर मचाया, भैया बिटकॉइन, इट इज द नेक्स्ट न्यू थिंग, इट इज द नेक्स्ट न्यू थिंग, बहुत शोर मचाया लोगों ने। तो सारे लोगों को था कि भैया हम इसको माइन कर लेते हैं, माइन कर लेंगे तो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तो उसको माइन करने के लिए अब लोगों को बड़े बड़े माइनिंग सेटअप सेट करने थे, जिसके लिए उनको बहुत सारे ग्राफिक कार्ड की नीड थी। तो ग्राफिक कार्ड की डिमांड एकदम से मार्केट में बढ़ने लग गई, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लोग 10-10, 20-20, 50-50 ग्राफिक कार्ड एक एक बार में ले जाने लगे। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट के अंदर डिमांड एकदम से ऊपर पहुंच गई। अब जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है तो क्या होता है? प्राइस बढ़ता है, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ा, NVIDIA के प्रॉफिट्स भी बढ़ते चले गए। और यही कारण था कि साल 2016 में NVIDIA का जो प्रॉफिट $614 मिलियन पे था, वो अगले साल 2017 में बढ़कर $1.6 बिलियन पे पहुंच जाता है। और प्रॉफिट इतनी स्पीड से बढ़ेगा तो शेयर प्राइस तो बढ़ना ही है, इसलिए NVIDIA का जो शेयर प्राइस साल 2016 में $53.76 पे था, वो इंक्रीज होकर $149 पर पहुंच जाता है। पर एक सेकेंड, अब तो क्रिप्टो का उतना हाइप ही नहीं है, लोग क्रिप्टो की बात ही नहीं कर रहे, कोई ज्यादा क्रिप्टो हो ही नहीं रहा है, तो फिर आगे क्या होने वाला है? आखिर आगे ये कंपनी पैसा कैसे कमाने वाली है? कहीं डूब तो नहीं जाएगी? तो देखो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और इसका एक सिंपल सा जवाब है, हेल्थ केयर। अब ग्राफिक कार्ड बनाने वाली कंपनी हेल्थ केयर से पैसे कमाएगी? कैसी बात करता है। तो देखो, क्रिप्टो हो या हेल्थ केयर, जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस होते हैं ना, उनकी जरूरत हर जगह पर पड़ती है। प्लस NVIDIA की जो नई AI टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से आगे आने वाले टाइम में DNA सीक्वेंसिंग, जो कि पहले बहुत ही ज्यादा टाइम में करी जाती थी, कई हफ्ते लगते थे जिसको करने में, अब वो सिर्फ कुछ ही घंटों का प्रोसेस बन चुका है। और आज NVIDIA के पास इस दुनिया की फास्टेस्ट DNA सीक्वेंसिंग टेक्निक है, जिसका रिकॉर्ड टाइम था 5 hours 2 minutes। तो भैया, इस इन्फॉर्मेशन का मैं क्या करूं? तो देखो, जो NVIDIA की जेनोमिक सीक्वेंसिंग टेक्निक है ना, वो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट का टाइम है उसको बहुत कम कर देती है। क्यों?
क्योंकि अब उसका जो डायग्नोसिस का टाइम है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है, तो जल्दी डायग्नोसिस होगा तो उसका ट्रीटमेंट भी जल्दी शुरू हो सकता है और कम टाइम में ज्यादा पेशेंट्स को ट्रीट करके घर भेजा जा सकता है, तो पैसा ही पैसा होगा। और ये तो सिर्फ एक चीज है, यहाँ तक कि एनवीडिया ऐसे छोटे छोटे स्मॉल कंप्यूटर्स बना रही है जो कि अमेज़न के जितने भी वेयरहाउस के अंदर लॉजिस्टिक रोबोट्स है ना उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये रोबोट्स देख रहे हो, इन रोबोट्स के अंदर टेगरा लाइन चिप्स का इस्तेमाल किया गया है और ये वही टेगरा लाइन चिप्स है जो कि स्टार्टिंग में एनवीडिया ने बनाए थे 2010 में जब वो स्मार्टफोन मार्केट में एंटर करने वाले थे, लेकिन एंट्री करते हैं फेल हो जाते हैं बाहर आ जाते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज यहाँ पर हो रहा है। यहाँ तक कि इन रोबोट्स के अलावा इन चिप्स का इस्तेमाल टेस्ला की मॉडल 3 और मॉडल 4 में भी किया गया था। हाँ, वो बात अलग है कि आज टेस्ला अपनी खुद की चिप्स बना रही है, बट एनवीडिया के पास तो टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो बाकी ब्रांड्स जो कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स बनाना चाह रहे हैं वहां पर अपनी इस टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर सकती है, जैसे कि मर्सिडीज बेंज। पर इन सबके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है जिसकी वजह से आज एनवीडिया इतनी फेमस हो रही है वो चीज है चैटबॉट्स। देखो, आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ये दोनों कंपनीज आपस में लड़ी पड़ी हैं कि भैया हम एआई के चैटबॉट्स बनाएंगे, इतने जबरदस्त बनाएंगे कि पूरी मार्केट हिलाकर रख देंगे, फाड़ देंगे हम। तो होता ये है कि जब भी ये सारे चैटबॉट्स बनते हैं ना तो इनके लिए डेटा सेंटर सेटअप होते हैं और उन सारे डेटा सेंटर्स के अंदर हजारों लाखों की संख्या में एनवीडिया की A100 चिप्स का इस्तेमाल होगा। इसको अगर बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं तो A100 एक इंजन की तरह काम करता है जो कि चैट जीपीटी जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि देखो, चैट जीपीटी तो एक AI मॉडल है, वो मॉडल किसी चीज के ऊपर रन भी तो होगा, उसकी प्रोसेसेस करने के लिए हार्डवेयर भी तो चाहिए और वो हार्डवेयर कौन बना रहा है? जी, एनवीडिया। और मजेदार बात तो ये कि एनवीडिया अपनी A100 चिप्स को कभी सिंगल फॉर्म में बेचती ही नहीं है, बल्कि 8 A100 चिप्स का इस्तेमाल करके एक पूरा का पूरा GPU सर्वर बोर्ड बनता है और वो सर्वर बोर्ड का नाम पड़ता है DGX A100, जिसका प्राइस जाता है $20,000। इसमें टोटल 8 GPU लगते हैं और ये एक साथ काम करते हैं। यही कारण है कि आज चैट जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म आपको एक इंसान से भी ज्यादा तेज एक्यूरेट रिस्पांस क्रिएट करके दे देता है और ये $20,000 का एक बोर्ड है। ऐसे हजारों बोर्ड्स लगते हैं तब जाकर एक डेटा सेंटर बनता है। जैसे आज माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी चैटबॉट को 10,000 A100 सर्वर्स और 10,000 H100 सर्वर्स के साथ ट्रेन कर रही है और फ्यूचर में ये जो नंबर है ये और ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पीपल जो इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं वो बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे तो प्रोसेस बढ़ेंगे तो ज्यादा हार्डवेयर लगेगा। और बेस्ट बात ये कि अगर एनवीडिया नहीं होती तो कोई भी कंपनी, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, ओपन एआई हो, गूगल हो, फलाना हो, ढिंकाना हो, कोई भी कंपनी इतनी स्पीड से इतने जबरदस्त चैटबॉट्स कभी डेवलप कर ही नहीं पाएगी। यही कारण है कि आज एनवीडिया का डेटा सेंटर बिजनेस उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर AMD से बहुत ऊपर जा चुका है। अगर आप क्वार्टर वाइज भी कंपेयर करोगे ना तो एनवीडिया का जो डेटा सेंटर चिप्स का बिजनेस है वो AMD से करीब 2.5 गुना यानी कि 250% ज्यादा है। और ये तो कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट एनवीडिया के CEO मिस्टर जेनसन ह्वांग ने यह अनाउंस किया है कि एनवीडिया आज की डेट में अपने खुद डेटा सेंटर CPUs भी बना रही है जो कि आज की डेट में जितने भी CPUs है ना उनको 1/10 कॉस्ट पे ले आएगी और 10 गुना ज्यादा तेज भी कर देगी। मतलब पैसे लगेंगे 10 गुना कम और स्पीड हो जाएगी 10 गुना ज्यादा। तो अगर आप यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखो तो एनवीडिया ने सबसे पहले गेमिंग मार्केट को पूरी तरीके से डोमिनेट किया और खुद को उस मार्केट में इररिप्लेसेबल बनाया, फिर उस प्रॉफिट का इस्तेमाल किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाई और नई नई टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट करते चले गए, जिसके चलते आज ना सिर्फ गेमिंग बल्कि पूरी AI मार्केट को इनडायरेक्टली एनवीडिया ही कंट्रोल करती है। क्योंकि सारी कंपनीज, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, जितनी भी कंपनीज हैं, ये सब की सब हार्डवेयर के लिए एनवीडिया के ऊपर ही डिपेंडेंट है, वरना उनके AI मॉडल्स कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। पर चलो, ये सब तो ठीक है, लेकिन वो कौन से पावरफुल बिजनेस लेसन है जो हम इस पूरी केस स्टडी से सीखकर अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं? तो पहला लेसन है, अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम। देखो, इंडस्ट्री चाहे कोई भी हो, हर एक इंडस्ट्री का एक इकोसिस्टम होता है जहाँ पर एक प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर के ऊपर किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट होता है। जैसे अगर पावर कंप्यूटिंग और गेमिंग इंडस्ट्री की बात करी जाए तो गेम डेवलपर्स जो है वो गेम बनाते हैं, जो गेमर्स है वो गेम को खेलते हैं, लेकिन अगर आपको ये दोनों ही नहीं करने आते तो आप ये ढूंढो कि आखिर आप इस इंडस्ट्री में ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपको भी बिजनेस मिलने लग जाए। जैसे कि एनवीडिया ने किया, उन्होंने कहा भैया हमें गेम खेलना भी नहीं आता, हमें गेम बनाना भी नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, हम हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक कार्ड बनाएंगे जिससे कि ये जो गेम्स है इनकी परफॉर्मेंस और बेटर हो पाए। तो यहाँ पर एनवीडिया किसी कंपनी से कम्पीट नहीं कर रही, लेकिन वो इस पूरे इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा पोर्शन कंट्रोल कर रही है, जिस वजह से आगे चाहे कोई भी कंपनी निकले एनवीडिया तो पैसे कमाएगी। अब आता है दूसरा लेसन, जो कि है ऑलवेज इन्वेस्ट इन फ्यूचर। देखो, बहुत सारे बिजनेसेस जब पैसा लगाते हैं तो वो ये सोचकर लगाते हैं कि आखिर इससे होगा क्या, आखिर इससे एक या दो महीने में क्या बदल जाएगा।
तो ये हो जाता है बहुत ही शॉर्ट टर्म सोचना। अब इससे होता क्या है, देखो इससे ये हो सकता है कि अगले एक या दो महीने में तो आप शायद पैसे कमा लो, मगर आने वाले सालों का क्या, तब क्या करोगे? इसलिए देखो जो प्लानिंग है वो अगले दो महीने की भी करो और अगले दो सालों की भी करो। जैसे कि एनवीडिया ने साल 2010 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो दूर दूर तक उस वक्त पर लोगों को पता भी नहीं था कि क्या है, कहीं आया भी नहीं था, उसकी तैयारी 2010 में शुरू कर दी थी। और अगर उस वक्त की सोचोगे तो लोगों ने एनवीडिया को भी बोला कि भैया ये कैसी फालतू चीजों में आप पैसे डाल रहे हो, कोई सेंस तो बनती नहीं है। लेकिन नहीं जी, इन्वेस्टमेंट करिए फ्यूचर में आने वाली चीजों के लिए। इसलिए आज कंपनी एक ऐसी पोजीशन पर बैठी है कि बड़ी बड़ी एआई कंपनीज अपना प्रोडक्ट बिना एनवीडिया की टेक्नोलॉजी के बना ही नहीं सकती। और इस सब के बाद आता है ये तीसरा और सबसे पावरफुल लेसन, जो कि है फ्लाई लाइट। देखो बिजनेस मॉडल जितना हल्का रख सकते हो ना उतना हल्का रखो, जितने कम पैसों में काम किया जा सकता है उतने कम पैसों में काम करो। और अगर किसी चीज का जो डाउनसाइड रिस्क है वो बहुत ज्यादा है, जहां पर आपका नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, तो वहां पर आप थोड़ा सा पीछे ले लो, थोड़ा सा सपोर्ट ले लो। जैसे कि एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड बनाती है, एआई में भी काम कर रही है, बट मजेदार बात तो ये कि कंपनी सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाती है, प्रोडक्ट बाहर से बनवाती है। क्यों? क्योंकि देखो इसका जवाब है ऑपरेशनल लेवरेज। देखो टेक्नोलॉजी बनाने में पैसा बहुत खर्च होता है, मगर वो जो पैसा खर्च होता है ना वो एक बार होता है, वहीं पर जो मैन्युफैक्चरिंग है प्रोडक्ट की उसके अंदर बार बार पैसा खर्च होता है। तो जितनी बार प्रोडक्ट बनेगा उतनी बार पैसा खर्च होगा प्रोडक्शन में। इसलिए एनवीडिया कहती है कि भैया देखो हम तो टेक्नोलॉजी बनाएंगे, हम सारा पैसा टेक्नोलॉजी बनाने में घुसाएंगे, उसके बाद भैया एक बार ही टेक्नोलॉजी बन गई, फिर प्रोडक्ट आप बाद में बनाते रहो, प्रोडक्ट तो कोई भी बना देगा, मेन बात है टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी हमारी होगी और जितनी बार आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाओगे उस प्रोडक्ट के ऊपर बस हमारा नाम डाल देना और हमें एक कमीशन लाइसेंसिंग फी दे देना। और हाँ, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो ही रही है तो क्या आपको कोई आइडिया है कि चैट जीपीटी, जिसका आज हर जगह पर हल्ला मचा हुआ है, उससे भी ज्यादा पावरफुल कुछ ऐसा मार्केट में आने वाला है जो आने वाले टाइम में चैट जीपीटी से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होने वाला है? और हो सकता है कि वो चीज आने के बाद कोई चैट जीपीटी को इस्तेमाल भी ना करे। और मजेदार बात तो ये कि ये चीज माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करी थी ना वो इसीलिए करी थी। और आज माइक्रोसॉफ्ट कुछ ऐसा बना रहा है जो आने वाले टाइम में हो सकता है चैट जीपीटी को आउटडेट कर दे। और अगर आपने इस चीज के बारे में नहीं जाना, सही टाइम पर इस चीज को सीखकर इंप्लीमेंट नहीं किया, तो आप जिंदगी में ज्यादातर लोगों से बहुत पीछे जाने वाले हो। क्यों? क्योंकि देखो भैया एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन वो बंदा जो कि एआई का इस्तेमाल कर रहा है ना वो आपको जरूर से रिप्लेस कर देगा। पर एक सेकंड, ये हो क्या रहा है, ये आखिर माइक्रोसॉफ्ट कर क्या रही है, ये आखिर बन क्या रहा है? तो देखो अगर आपको ये जानना है ना कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट ऐसा क्या बना रही है, ऐसा कौन सा टूल बना रही है जो चैट जीपीटी को आउटडेट कर देगा, तो ये राइट वाली वीडियो जरूर से देखना।